गाइस वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो मैं आज बताऊं भाई सौरभ भाई के बारे में कि सौरभ भाई पहले जैसे तो नहीं रहे हैं अब, क्योंकि घमंडी वगैरह हो चुके हैं। क्योंकि मैं यहाँ से उनसे मिलने गया था, वो उस पर हिमालय वाले रास्ते पे मिले थे हम लोग, गए थे रात को कुछ। मैं अभी आया हूँ, 1-1.5 घंटा हो गया मुझे आए, मिलने के लिए गए थे हम स्पेशल। लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही रिस्पॉन्स दे दिया कि मैंने कहा था एक वीडियो बना लें दो अपने साथ एक बार, तो उन्होंने बोला नहीं वीडियो नहीं, प्राइवेसी है। भाई किस चीज़ की प्राइवेसी है भाई, तुम लोग अपनी तो लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे हो डेली व्लॉग में, तो किस चीज़ की प्राइवेसी, वीडियो बनाने में क्या है, हाथ जोड़ के दांत दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है बस। भाई मैं तो कह रहा हूँ सौरभ भाई अपनी मतलब जो जिस स्टैंडर्ड के थे वो स्टैंडर्ड को भूल चुके हैं ये, क्यों भाई कितना भी पैसा आ जाए अपना स्टैंडर्ड कभी भी अपनी जो होती है ना औकात वगैरह वो नहीं भूलनी चाहिए। बाकी मैं सॉरी सौरभ भाई से ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी कल इतनी मुश्किल से गए थे कि यहाँ से लगा लो यहाँ से बहुत दूर है हल्द्वानी भी, यहाँ से 443 किलोमीटर दूर है। हम एक बार नहीं दो बार गए, एक बार हल्द्वानी गए थे, हल्द्वानी भी यही रिस्पॉन्स मिला था मेरे को, कोई वो नहीं मिला था। तो आज रात को गए थे हम यहाँ से निकले थे कल शाम को 4 बजे से उसके लिए हिमालय के लिए, हमने स्पेशल गाड़ी कर रखी थी, हमने स्कॉर्पियो ले गए थे कर। बाकी भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ करने का क्योंकि इतना खर्चा हो गया। मैंने सोचा था सौरभ भाई के साथ एक वीडियो बन जाएगी, लेकिन नहीं, वो तो भाई पूरे घमंडी वगैरह बन चुके हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का अगर तुम ये भाई जहाँ पर भी है ना सौरभ भाई आज वो हमारी वजह से है, क्योंकि हम भी एक एक व्यूज करके हम लोग एक एक बंदा देखते हैं तो जब उनके मिलियन में व्यूज आते हैं। बाकी देख लेना जो होता है देख लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही भाई, सौरभ भाई के लिए तो दिल तक ही निकल चुके हैं, क्योंकि भाई एक वीडियो की तो बात थी, क्या उस चीज़ में क्या प्राइवेसी। बस आज के लिए इतना ही, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।